जय हिंद स्टूडेंट। तो स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पढ़ाई पर। तो दोस्तों आज हम लोग आपसे उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस सेशन करेंगे। दोस्तों आपको बता देंगे इसके 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है, तो आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारा स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आ चुका है, और दोस्तों यहाँ पर बात करें 10 क्वेश्चन की और उसके 4 ऑप्शन है। और दोस्तों बता दें कि आपको यहीं पर आपको ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन मीनिंग सहित याद हो जाएंगी। और दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्लिथ, ब्लिथ का सिनोनिम्स फाइंड करना। दोस्तों बता दें कि ब्लिथ क्या है, एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर आपको सिनोनिम्स इसका फाइंड करना है। ए ऑप्शन है चीयरफुल, जिसका मीन्स होता है हंसमुख। बी ऑप्शन है सॉरो, जिसका मीन्स होता है शोक। सी ऑप्शन है अग्रेसिव, जिसका मीन्स होता है आक्रामक। डी ऑप्शन है अनोय, जिसका मीन्स होता है दुख पहुँचाना। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए चीयरफुल से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास क्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दोस्तों आपको हैग, हैग का सिनोनिम्स फाइंड करना है। हैग क्या है, आपका नाउन है। यहाँ पर ऑप्शन है विच, विच मीन्स होता है डायन। बी ऑप्शन है यंग, यंग मीन्स होता है युवा। सी ऑप्शन है क्वेरल, जिसका मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। डी ऑप्शन है विजी, जिसका मीन्स होता है व्यस्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विच सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के पास क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुवेंट, बुवेंट का सेंटेंस फाइंड करना। दोस्तों ए ऑप्शन है चाइल्ड लाइक, जिसका मीन्स होता है बच्चों का सा। बी ऑप्शन है स्टडी, जिसका मीन्स होता है तगड़ा। सी ऑप्शन है ब्रिस्क, जिसका मीन्स होता है तेज। डी ऑप्शन है लाइट हार्टेड, जिसका मीन्स होता है दिल वाले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी लाइट हार्टेड सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पिल्फर, पिल्फर का सिनोनिम्स फाइंड करना है। यहाँ पिल्फर क्या है, आपका वर्ब है। ए ऑप्शन है क्लेवर, जिसका मीन्स होता है चालाक। बी ऑप्शन है माइस्ट्री, जिसका मीन्स होता है रहस्य। सी ऑप्शन है इम्बेजल, जिसका मीन्स होता है पहचाना। डी ऑप्शन है डिस्काउंट, जिसका मीन्स होता है छूट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इम्बेजल से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के पास ऑब्नोक्सियस, ऑब्नोक्सियस का सिनोनिम्स फाइंड करना है। ऑब्नोक्सियस क्या है, आपका एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है। ए ऑप्शन इसका क्या है, क्लेवर, जिसका मीन्स होता है चालाक। बी ऑप्शन है स्लेव, जिसका मीन्स होता है चालाक। सी ऑप्शन है अनप्लीजेंट, जिसका मीन्स होता है अप्री। डी ऑप्शन है आउटडेटेड, जिसका मीन्स होता है झगड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी अनप्लीजेंट से हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ओयूएस जहाँ पर होता है वो शब्द क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 अपैरल, अपैरल का सिनोनिम्स फाइंड करना। अपैरल आपका नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। ए ऑप्शन है क्लॉथिंग, जिसका मीन्स होता है कपड़ा। बी ऑप्शन है अपीयरेंस, जिसका मीन्स होता है दिखावट। सी ऑप्शन है कॉस्टली, जिसका मीन्स होता है महंगा। डी ऑप्शन है रिवील, जिसका मीन्स होता है प्रकट करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा, ए क्लॉथिंग से हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है बिजायरे, बिजायरे का सिनोनिम्स फाइंड करना है। बिजायरे मीन्स होता है विचित्र। तो ए ऑप्शन है कलरफुल, जिसका मीन्स होता है रंग बिरंगा। बी ऑप्शन है एक्जॉटिक, जिसका मीन्स होता है विदेशी। सी ऑप्शन है कॉमिकल, जिसका मीन्स होता है अनोखा। डी ऑप्शन है स्ट्रेंज, जिसका मीन्स होता है अजीब। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंज से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 डैशटार्ड, डैशटार्ड का सिनोनिम्स फाइंड करना। डैशटार्ड आपका एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है। ए ऑप्शन है कलरफुल, जिसका मीन्स होता है रंग बिरंगा। बी ऑप्शन है कावर्ड, जिसका मीन्स होता है कायर। सी ऑप्शन है एक्जॉटिक, जिसका मीन्स होता है विदेशी। डी ऑप्शन है कॉमिकल, जिसका मीन्स होता है अनोखा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कॉवर्ड से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का सिनोनिम्स फाइंड करना। पोर्ट्रे आपका वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है। दोस्तों ए ऑप्शन है कम्युनिकेट, जिसका मीन्स होता है संवाद। बी ऑप्शन है पेंट, जिसका मीन्स होता है रंग। सी ऑप्शन है एक्सप्रेस, जिसका मीन्स होता है प्रकट करना। डी ऑप्शन है ड्रॉ, जिसका मीन्स होता है खींचना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ड्रॉ से हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में इनसीव,
इंसू का सेंटेंस फाइंड करना, इंसू आपका वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों। ये ऑप्शन है कॉम्पेल जिसका मीन्स होता है मजबूर, बी ऑप्शन है प्लीड जिसका मीन्स होता है निवेदन करना, सी ऑप्शन है रिमेन जिसका मीन्स होता है रहना या बनाए रखना, डी ऑप्शन है फॉलो जिसका मीन्स होता है अनुसरण करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी फॉलो सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा क्विज, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए, आपने 10 में से कितने सही किए और आपका स्कोर क्या रहा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।